हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के जो हैं वो 7:30 हो रहे हैं और मैं अभी नहा ही नहीं हूँ। मैंने सोचा कि मैं पहले सब्ज़ी काट लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद नहाऊँगी, क्योंकि मैंने फेस पैक लगाया था तो वो मैं सूखने का वेट भी कर रही थी कि जब तक ये सूखेगा तब तक एक और काम हो जाएगा, मैं सब्ज़ी भी काट लूँगी। और मैंने रोटी वगैरह तो बना ही लिया था, बस मुझे सब्ज़ी और दाल चावल सिर्फ बनाना है। तो मैं अभी आज मैं सूरन बनाऊंगी। तो ये मैंने सूरन लिया है 1/2 किलो और मैं इसे कट कर लेती हूँ। सुबह की हाउस क्लीनिंग मैंने कर ली है, बाकी सारे काम मैंने निपटा दिया है और बच्चे भी वो भी नहा चुके हैं, सिर्फ मैं अभी नहाने के लिए बाकी हूँ। और आजकल सुबह में ही इतना ज़्यादा गर्मी पड़ने लग रहा है और 7 बजे धूप इतना कड़ा हो गया था कि पूरा जो टंकी का पानी था वो पूरा गर्म हो गया था। इसलिए मैं बच्चों को सुबह ही नहाने के लिए भेज देती हूँ, क्योंकि सुबह का जो पानी होता है वो ठंडा होता है और वो नहा भी लेते हैं अच्छे से। बाद में जब पूरे घर की क्लीनिंग हो जाने के बाद बच्चे नहा लेते हैं, मैं कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ, फिर मैं एक बार और मशीन ऑन करती हूँ तो फिर मैं उस पानी से नहाती हूँ, वो ठंडा पानी रहता है। गर्मी इतनी काफ़ी पड़ रही है कि गर्म पानी से नहाने का बिल्कुल मन नहीं करता है और सुबह सुबह ही टंकी का पानी बिल्कुल गर्म भी हो जाता है। और हमारे यहाँ गर्मी भी पड़ रही है और हवा भी बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। देखिए कब यहाँ का मौसम बनता है पानी बरसने का, कब यहाँ पानी जो है वो बरसेगा। और मैंने सूरन काट लिया है और ये मैंने प्याज को भी छील लिया है और लहसुन मैंने छील लिया है और ये लहसुन को धुल के मैं इन सभी का पेस्ट बना लूँगी। लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज, हरी मिर्च, इन सभी को मैं कट करके इन जार में ही मैं कट कर रही हूँ और इसी में तुरंत मैं पेस्ट बना के फिर मैं चली जाऊँगी नहाने। और मैंने नाश्ता भी बना दिया था कि बच्चे आएंगे जब नहा के तो मैं उन्हें नाश्ता भी दे दूँगी। और आज मैंने नाश्ते में पोहा बनाया था, अगर वो क्लिप डालती तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती। चलो अच्छे से करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद पुनीता। और बताइए कैसे हैं आप। और सुबह का समय है और मैं अभी सुबह के सारे काम मैंने कर लिए हैं, मैं नहा के आ गई हूँ। और ये देखिए रुपेश पढ़ रहा है, रुपेश और छवि दोनों पढ़ रहे हैं, ये देखिए दोनों पढ़ रहे हैं। और मैं अभी इस समय 10 बज रहा है, इस समय 10 बज रहा है और मैंने सूरन रख दिया है फ्राई होने के लिए। मैं उसे हल्का सा जो है भून लेती हूँ। मैं आई आप ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो सूरन को है, मैं सूरन सारा जो है वो भून लेती हूँ। मैंने जब काटा था तभी मैं धो के चली गई थी नहाने और जब मैं नहा के आ गई हूँ अब, और मैंने जो है पानी वगैरह पी लिया है और अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है इसलिए मैं आज जल्दी लंच बना लूँगी, वरना मैं 11:30 बजे से शुरू करती हूँ लंच बनाना, पर आज मैं जल्दी ही अपना लंच बना लेती हूँ। और ये भुन जाएगा तब मैं इसकी मसाले की तैयारी करूँगी। और यहाँ चाय बन रही है, क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ तब से मैंने चाय नहीं पिया है, तो वही चाय बना रही हूँ अपने और हस्बैंड के लिए। सुबह के सारे काम मैंने कर लिए हैं जितना भी होता है और अभी मैं जब खाना बना लूँगी तो आज मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। और हवा अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, पर धूप भी बहुत तगड़ा है। ये देखिए धूप बहुत तेज़ है, धूप की वजह से गर्मी बहुत लग रही है। ये देखिए पसीना, कितना सारा पसीना हुआ है, पूरा फेस जो है वो पसीने की वजह से चमक रहा है। और अब मैं चलती हूँ सब्जी बनाने, छवि को देखते हैं क्या पढ़ रही है, क्या लिख रही हूँ छवि, देखें यहाँ दो क्या लिख रही हो, टेबल लिख रही हो, देखें ये देखिए छवि जो है 11, 12, 13 का टेबल लिख रही है और रुपेश अभी मैथ सॉल्व कर रहा है। ये देखिए रुपेश को जो ऑनलाइन क्लास हुआ था उसी का होमवर्क मिला है तो बच्चे वही कर रहे हैं। और अब मैं चलती हूँ जल्दी से खाना बना लूँगी। ये देखिए जो सूरन है, मैंने दाल तो बना लिया है, ये देखिए दाल बन गई है और सूरन की सब्ज़ी बना लूँगी। रोटी मैंने बना ली है पहले से ही, अब बस चावल मुझे बनाना रह जाएगा। और चाय भी पक गया है, ये देखिए चाय कितना अच्छा पका है। और अब मैं गैस बंद कर देती हूँ चाय का, अब मिलती हूँ आपसे। तो अभी चाय बन गई है और मैं चाय को छान लेती हूँ और अभी मैं चाय पी लेती हूँ। और ये मैंने चूड़े की नमकीन बनाई थी,
ये बहुत टेस्टी बनी थी, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। इसका वीडियो जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में जाएगा, तो आप इसे एक बार ट्राई करिएगा। और ये मैं आपको खिला रही हूँ कि आप एक बार टेस्ट कर लीजिए और साथ ही साथ चाय पी लीजिए। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे, मतलब आपको मिलते रहेंगे उसके नोटिफिकेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा प्लीज़ फ्रेंड। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हटो, हम करें हटो। और छवि मुझसे पहले जाकर गेहूं साफ करने लगी। अब बोलती है कि मम्मी आप जाइए दूसरा काम देख लीजिए, मैं गेहूं साफ कर दूंगी। पर अभी बच्ची है वो, उससे अभी नहीं, बड़ी हो जाएगी तो थोड़ा बहुत तो हेल्प लूंगी ही। और जब मैं गेहूं साफ कर रही थी तो वो पढ़ने आ गई कि मम्मी आज आपने, मैं उसे डेली वो हिंदी का थोड़ा थोड़ा लिखवाती हूँ कि जो उसकी मात्रा है उसे अच्छी तरीके से आ जाए लिखने में, वो पढ़ने में, तो मैं उसे डेली थोड़ा थोड़ा लिखवाती हूँ। तो वही आई थी कि मम्मी आज आप सुबह से काम ही कर रही हैं और आप मुझे लिखवा नहीं रही हैं, तो मैं उसे वही हिंदी बोल के लिखवा रही हूँ कि ऐसे लिखो, एक कहानी थी वही कहानी मैं उसे लिखवा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, किचन के लिए हस्बैंड गए थे, ये फिलिप्स का LED लाइट लेके आए हैं कि हो सकता है इसको लगाने पे किचन में लाइट जो है वो सही आए। तो अभी जा रहे हैं हस्बैंड लगाने किचन में इसको, और चलिए दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, किचन में अभी अंधेरा दिख रहा है और अभी जब लगने के बाद लाइट पता चलेगा कि कितना रोशनी हुआ, बढ़ी है रोशनी कि अभी रोशनी कम ही है। आइए, लाइट बंद कर दे क्या, ऐसे लगा लेंगे। देखिए लगा रहे हैं और देखो क्या पता है कितनी रोशनी हो गई किचन में। बहुत अच्छा हो गया। मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। जब कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैंने उसमें सरसों का तेल डाल दिया है और अब मैं इसे भी गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर मैंने इसमें अजवाइन और जीरा और हींग डाल देती हूँ और थोड़ी देर इसे बस भूनूंगी, थोड़ा कलर इसका चेंज हो जाएगा तब तक भून लूँगी। और मैंने उसी कढ़ाई में इस मसालों को भून रही हूँ जिसमें मैंने सूरन को भुना था। और अभी खड़े मसाले जो हैं वो भून गए थे तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया और प्याज भी भून गया है। अब मैं इसमें आधे चम्मच के लगभग मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, फिर मैं तुरंत ही इसमें मसाले डाल दूंगी जो मैंने मसाले पीसे थे, लहसुन टमाटर प्याज हरी मिर्च, इन सभी का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं डाल देती हूँ। अब बेसिक मसाले मैं डाल देती हूँ जो रेगुलर यूज़ करती हूँ, हल्दी पाउडर और नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार। और ये देखिए इधर मैंने जो दाल है, दाल मेरी पक गई है तो मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और तड़का लगा दूँगी। मसाले उधर भून रहे हैं और इधर मैं तड़का भी लगा लेती हूँ। तो मैंने सिंपल सा ही तड़का लगाया है, जैसे कि जीरा लहसुन और लाल मिर्च से हम लगाते हैं वही सिंपल सा तड़का है, क्योंकि भी जो सब्ज़ी है वो मसालेदार है तो मैं इसीलिए दाल को मैंने फ्राई नहीं किया है। और अभी मैंने तड़का लगा लिया है और इधर मसाले भुन गए हैं तो मैं इसमें सूरन डाल दूँगी और अच्छी तरीके से मैं चला दूँगी जो मसाले हैं वो सूरन के ऊपर जब तक कोट ना हो जाए। और ढक कर 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से कोट हो गए हैं मसाले सूरन के ऊपर। और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी कि जितना भी ग्रेवी हमें चाहिए, अगर पतला चाहिए तो ज़्यादा पानी डालना होगा और अगर हमें गाढ़ा ग्रेवी चाहिए तो कम पानी, तो मैंने इतना पानी ले लिया है। और अब मैं इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि कढ़ाई में सूरन जो है वो पकने में बहुत टाइम लगता है, अब प्रेशर कुकर में ये जल्दी पक जाता है। तो मैंने कढ़ाई में भी थोड़ा सा और पानी डाल के धुल के उसे डाल दिया है, क्योंकि उसमें मसाले लगे होते हैं तो वेस्ट हो जाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना पानी लिया है और अब मैं इसमें गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, ये सब डालकर प्रेशर कुकर का लिड लगा के छोड़ दूँगी जब तक 2-3 सीटी ना आ जाए तब तक के लिए। और ये जो मैं गरम मसाले डालती हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने घर पर ही बनाए हैं। इसमें साबुत, धनिया और जितने भी गरम मसाले होते हैं उन सभी को मैं भून के पीस के पाउडर बना के एक डब्बे में रख देती हूँ और ये 1-2 महीने तो आराम से चल जाते हैं।
और जब मसाले वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं घर का बना हुआ यूज़ करती हूँ। अब भुजिया वगैरह में मैं थोड़ा सा बाहर का डाल देती हूँ गरम मसाला। सीटी भी लग गई है कुकर में और मैं दिखाती हूँ आपको सूरन की सब्ज़ी कैसी बनी। ये देखिए खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी और बहुत टेस्टी बना भी था सब्ज़ी। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी, आपने बनाई तो कैसी लगी। फिर मैं उसी कुकर को धुल के उसमें चावल चढ़ा दूँगी। चावल मैंने पहले से ही धो के रख लिया था और अब मैं उसे कुकर में डाल देती हूँ और फिर मैं गैस पे चढ़ा दूँगी, चावल बन जाएगा। और आज का लंच हमारा यही था। और अभी मैं पापड़ छान लेती हूँ। आलू के पापड़ हैं ये जो मैंने घर पे बनाए थे, तो दाल चावल के साथ बच्चों को और हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स ये आज का हमारा लंच है, दाल चावल रोटी पापड़ और सूरन की सब्ज़ी। आइए हमारे साथ और लंच कर लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स अब बिल्कुल क्लियर आ रहा है वीडियो, अब सब कुछ ये देखिए। और पहले बहुत दिक्कत होता था मुझे वीडियो बनाने में क्योंकि वीडियो साफ नहीं आता था और मैं बार बार सोचती थी कि मैं क्या करूं कि वीडियो थोड़ा अच्छा आए, इसकी क्लियरिटी थोड़ी अच्छी दिखाए, लेकिन फाइनली आज हो गया है और आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे अब समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तो बाय बाय फ्रेंड्स।